अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो ट्रेन से रिलेटेड अगर आप हर चीज को जानना चाहते हैं, जैसे कि टिकट के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में, आखिर वो ट्रेन कहाँ है और इसी के साथ में वो ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है, ठीक है, तो ये सारी बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। प्ले स्टोर में आपको इस वाले ट्रेन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि बिहार इज माई ट्रेन, ठीक है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, इसमें आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपके एकदम काम के होते हैं। जैसे ही आप सिंपली इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अपने यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपके सामने फिर कुछ इस तरीके से आएगा। ऊपर में आप कहाँ पर बैठेंगे, यानी कि आप कहाँ से बैठेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ बरेली, मैंने यहाँ पर डाल दिया है बरेली जंक्शन, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है यानी कि टू स्टेशन, यानी कि आपको जाना कहाँ है बरेली से, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ न्यू दिल्ली, ठीक है। अब न्यू दिल्ली हम यहाँ पर फाइंड ट्रेन, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है जैसे कि 12:15 पर AM और यहाँ पर AM, ठीक है। एक्चुअली में काफी लोगों को ये पता नहीं होता है AM का मतलब क्या होता है और कि कौन सा समय होता है, ठीक है, और PM का समय कौन सा होता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो कि सुबह से रात्रि के 12 बजे से और दोपहर के 12 बजे तक वो लगता है AM, और 12 बजे से दोपहर के और शाम के यानी कि रात्रि के 12 बजे तक वो लगता है PM। तो यहाँ पर अभी देखने को मिली है जैसे कि यानी कि 12:15 पर AM यानी कि रात्रि के, ठीक है, जो कि हमें मिलेगी 15 अगस्त को, यानी कि आज है 14 अगस्त, वो हमें मिलेगी 15 अगस्त को। तो ये आप देख सकते हैं ये ट्रेन अभी चल रही है और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी ये है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बरेली जंक्शन, जो कि 12:13 पर पहुंचेगी और 15 अगस्त को, पर आज है 14 अगस्त, जो कि आप ऊपर में ही यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो आप यहाँ पर ट्रेन को देख सकते हैं। इसी के साथ में जो बरेली प्लेटफॉर्म पर कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, जैसे कि 2 पर आएगी, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर पैलेसिंग के बराबर में ये देखने को भी मिल रहा है, ठीक है। इसी के साथ में आप ये भी पता कर सकते हैं कि आखिर ये ट्रेन है अभी कहाँ पर है, तो देख सकते हैं इसका लाइव लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी के बारे में आप यहाँ पर ये भी पता कर सकते हैं कि आखिर, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि टाइम यानी कि जो ट्रेन है वो लेट आती है, ठीक है, पर हमें लगता है कि वो हमारी ट्रेन है वो छूट गई होगी, ठीक है, यानी ट्रेन का समय इतना है, तो वो आप यहाँ पर लाइव लोकेशन दे सकते हैं। आज की डेट में किस तरीके से चेक करें या फिर कल की डेट में किस तरीके से चेक करें या फिर आने वाली डेट में हम किस तरीके से चेक करें, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऊपर में देखने को मिल रहा है ऑल डेज, ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे कि ऑल डेज का मतलब होता है कि हर दिन जो चलती है ट्रेनें वो, ठीक है। इसी के साथ में टू डे यानी कि आज कौन कौन सी ट्रेनें चलेंगी, और इसी के साथ में टुमारो यानी कि कल कौन सी ट्रेनें चलेंगी, ठीक है। इसी के साथ में आप यहां से कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि आखिर कौन से दिन की आप यहां पर देखना चाहते हैं। इसी के साथ में मैं यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं, जैसे कि मुझे 4-5 दिन बाद जाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 18 तारीख एग्जाम्पल के तौर पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब 18 तारीख में ये ट्रेनें यहाँ पर जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट करूंगा कि आखिर कौन से समय कौन सी ट्रेन जाएगी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैं जाऊंगा सुबह 5 बजे के टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी ट्रेन जाती है बरेली से न्यू दिल्ली इंट्रा सिटी एक्सप्रेस, ठीक है। तो मैं इस वाली ट्रेन को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है जैसे कि बरेली जंक्शन से ही यहाँ पर ये बनकर चलती है, जो कि 0 किलोमीटर प्लेटफॉर्म दिख रहा है, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हमें मिलेगी, ठीक है, जो कि 4:55 से वहां पर चलना स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ में अब आप यहां पर टाइम भी सेट कर सकते हैं अपना अलार्म, ठीक है। और इसी के साथ में हम यहां से बैक करते हैं, यहां पर आप अपनी सीट को भी देख सकते हैं, जैसे कि इसमें जनरल डिब्बे हैं कि नहीं है, और इसी के साथ में AC डिब्बे हैं या फिर कौन कौन से डिब्बे हैं, वो चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आपको पीछे में देखने को मिल रहे हैं जैसे कि SLR, इसका मतलब होता है कि सामान या फिर आपको विकलांग जो होते हैं लोग उनके लिए डिब्बा होता है, ठीक है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है GN या फिर GN, ठीक है, ये 3 डिब्बे देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है जनरल डिब्बे हैं, ठीक है। इसी के साथ में आप आगे में भी देख सकते हैं जैसे कि
SLR इसी के साथ में फिर आपको GNGN, तो कहने का मतलब है पांच डिब्बे इसमें जलन है, ठीक है। उसके बाद में आपको इसमें स्लीपर मिल जाते हैं, ठीक है। उसी के साथ में इसमें एसी डिब्बा नहीं है, अगर एसी डिब्बा होता तो इसमें लिखा हुआ होता एसी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेन के जो डिब्बे हैं वो चेक भी कर सकते हैं और यहीं से ही आप बुक भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल का यहाँ पर आ रहा है, ये लिखा हुआ भी आ रहा है, ठीक है। इसी के साथ में आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो ये इसका मतलब है कि ये स्लीपर है, ठीक है। आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। जो जनरल का डिब्बा होगा उस पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, सिर्फ आपको वहां पर सीटें नजर आएंगी, जैसे कि ये है, ये है, ये है, ये है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि विकलांग वगैरह है, ठीक है। तो आप यहाँ से इन सारी चीजों को चेक कर सकते हैं और आप यहाँ से पता भी कर सकते हैं कि वो ट्रेन आखिर कहाँ चल रही है। उसके बाद में आ जाती है कि आखिर हम ये कैसे पता करें कि आखिर वो ट्रेन में, जिस ट्रेन में हम बैठे हैं, वो ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो ये जानने के लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जीपीएस स्पीड ट्रैकर, ठीक है। इस पर आप सिंपली ओपन करेंगे इसे और आप यहां पर सिंपली क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपकी जो लोकेशन है वो सिर्फ ऑन होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में जीपीएस सेटिंग होती है आपके फोन के अंदर, वो भी आपकी ऑन होना चाहिए और आप बहुत ही आराम से इस चीज के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर आपकी जो मोबाइल की बैटरी है वो कितनी है, इसी के साथ में ट्रेन के जो सिग्नल्स हैं वो कितने हैं, ठीक है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि अगर अच्छे, यानी कि जो कितने परसेंटेज यहाँ पर टावर आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो ट्रेन को सिग्नल्स मिल रहे हैं, ठीक है, वो हम यहाँ से सब कुछ देख सकते हैं। इसी के साथ में जो एवरेज स्पीड है वो आखिर कितनी है, ड्यूरेशन देख सकते हैं और इसी के साथ में मैक्सिमम स्पीड देख सकते हैं, यानी कि अधिक में अधिक कितनी चल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसे चेंज भी कर सकते हैं, डिजिटल भी वाला यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो में उम्मीद करता हूँ आप सब कुछ समझ गए होंगे। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।